हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिर एक बार पुलवामा हमले जैसी हरकत आतंकियों की निकलकर आई है सामने। सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां डोडा से राम बन जा रही बस से IED बरामद, सेना CRPF और बम निरोधक दस्ता पहुंचे मौके पर। सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर नेपाल में हिंदूवादी पार्टी बन सकती है किंग मेकर। सबसे बड़ी खबर, चीन समर्थक ओली को लगने वाला है तगड़ा झटकर, चीन भी सो नहीं पाएगा, बताएंगे बड़ी खबर। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के रैली में उड़े ड्रोन, जी हां दोस्तों, जिसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है, और भारतीय होने पर गर्व है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ डोडा से राम बने जा रही बस से IED बरामद, सेना CRPF और बम निरोधक दस्ता पहुंचे मौके पर। बता दें जम्मू के रामबन में शुक्रवार को बस से भारी मात्रा में IED बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये बस डोडा से रामबन के लिए जा रही थी, इसी में संदिग्ध वस्तु रखी गई थी। नाके पर चेकिंग के दौरान बस से संदिग्ध पैकेट मिला है। जांच के दौरान सामने आया कि पैकेट में IED रखा हुआ था। बम निरोधक दस्ते की टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया है। IED का पैकेज मिलने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस के मुताबिक बस से एक पैकेट बरामद हुआ है, और इस पैकेट में क्या है ये शुरुआती तौर पर कहना मुश्किल था। पैकेट की जांच के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर बुलाया गया था। टीम ने जांच के बाद स्पष्ट कर दिया है कि पैकेट में IED है। जी हां दोस्तों, तो वहीं SSP रामबन मोहिता शर्मा ने बताया है कि संदिग्ध वस्तु मिली है। BDS की टीम को बुलाया गया था। इसके साथ ही सेना CRPF भी मौके पर मौजूद है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने पैकेट को खोला। जांच में सामने आया है कि इस पैकेट में IED बम था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है दोस्तों, और हमारी भारतीय सेनाओं ने ये करके दिखा दिया है उस IED को पकड़ करके कि हमारी भारतीय सेना पूरे तरीके से चौकन्नी है दोस्तों। और एक बार फिर पुलवामा जैसे हमले लेकर आए आतंकियों के मंसूबे नाकाम होते दिखाई दिए हैं। ऐसे में दोस्तों अपनी भारतीय सेना को जय हिंद जय भारत जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर नेपाल में हिंदूवादी पार्टी बन सकती है किंग मेकर। क्या ओली हिंदू राष्ट्र के वादे के साथ बनाएंगे सरकार, बता दें। नेपाल लोकसभा चुनाव में अभी भी वोटों की गिनती चल रही है, और अभी तक आए रुझानों के मुताबिक इस बार हुए संसदीय चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। हालांकि अभी तक सभी सीटों के परिणाम सामने नहीं आए हैं और वोटों की गिनती अभी तक जारी है, लेकिन उपलब्ध रुझानों से पता चलता है कि देश पूर्ण त्रिशंकु संसद की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं ऐसे संकेत है कि चुनाव पूर्व गठबंधनों में से कोई भी गठबंधन 275 सीट वाले सदन में सरकार बनाने के लिए आवश्यक 50% या 138 सीटों के बेंचमार्क को पार नहीं कर पाएगा। हालांकि दोनों गठबंधनों ने लोगों से धैर्य बनाकर रखने को कहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक रुझानों में सबसे आगे कौन है। तो सबसे आगे की अगर बात करें तो नेपाली कांग्रेस यानी देउबा की पार्टी सबसे आगे चल रही है दोस्तों, ओली की पार्टी पीछे है। ऐसे में चीन समर्थित ओली को सबसे तगड़ा और बड़ा झटका लगने वाला है। और ओली ने दोस्तों नेपाली लोगों से भारत की जमीन लिंपिया धुरा लिपलेख और काला पानी को अपने हिस्से में लेने की बात कहते हुए वोट मांगने की कोशिश की थी दोस्तों। अब ओली का ये सपना भी चूर चूर होता नजर आया है, और नेपाल की जनता ने दिखा दिया है ओली को कि वो जमीन भारत की ही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ओली को झटका लगने का मतलब है चीन को तगड़ा वाला झटका लगना। ऐसे में दोस्तों देउबा को आप लोग कांग्रेचुलेट एडवांस में जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन के खिलाफ ऋषि सुनक सरकार का सबसे बड़ा एक्शन, सरकारी दफ्तरों में चीनी कैमरे लगाने पर लगाई रोक। जी हां, ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने चीन के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन लिया है, और UK सरकार ने तमाम सरकारी विभागों को आदेश दिया है कि तमाम सरकारी भवनों और संवेदनशील साइटों पर चीन निर्मित सर्विलांस कैमरों को लगाने पर रोक लगाया जाए। तो वहीं चीनी कैमरों को लगाने वाली एक कंपनी को UK सरकार ने फटकार भी लगाई है। चीन पर लगातार जासूसी करने के आरोप लगते रहे हैं, और अब दुनिया के देशों ने चीनी जासूसी रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। UK की सरकार ने अपने आदेश में काफी सख्ती के साथ चीनी कैमरों का इस्तेमाल ना करने को कहा है, और इस आदेश के साथ ही UK में काम करने वाली चीनी कंपनियों के खिलाफ सख्त निगरानी रखने का भी आदेश जारी किया है। इससे पहले पिछले हफ्ते इसने एक चीनी स्वामित्व वाली फर्म को ब्रिटेन की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता न्यूपोर्ट वेफर फैब का अधिकांश हिस्सा
दाना बेचने का आदेश दिया था। ब्रिटेन की कैंपेन ग्रुप बिग ब्रदर वॉच के मुताबिक ब्रिटेन में ज्यादातर सार्वजनिक संगठन या तो हिकविजन या देहुबाक द्वारा बनाए गए सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करते हैं। ऐसे में ऋषि सुनक द्वारा उठाए गए इस फैसले का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों, और क्या यही चीज भारत में भी लागू होनी चाहिए, बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर कोई इसका जवाब दे सके। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने की दी अनुमति, पीटीआई का बड़ा आरोप। जी हां, पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ पार्टी ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि शनिवार को होने वाली विरोध रैली के लिए पूर्व प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी गई है। इमरान खान को 26 नवंबर को रावलपिंडी में शहबाज शरीफ के खिलाफ आयोजित रैली को संबोधित करना है। उनका हेलीकॉप्टर यहां परेड ग्राउंड में उतरना था। इमरान खान ने शुक्रवार को कहा कि रावलपिंडी में उनकी पार्टी का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। पार्टी के नेता असद उमर ने ट्वीट पर कहा कि इस्लामाबाद प्रशासन ने खान के हेलीकॉप्टर को शनिवार को परेड ग्राउंड में उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जी हां दोस्तों, पीटीआई के उपाध्यक्ष शिरीन मजारी ने खान के हेलीकॉप्टर को न उतरने देने के लिए इस्लामाबाद प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आईसीटी यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ने परेड ग्राउंड में आई के इमरान खान के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा देश का नया इतिहास लिखा जा रहा है। पहले जानबूझकर विदेशी एजेंडा बढ़ाने का काम हुआ, हम गलतियों को सुधार रहे हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को कहा है कि भारत के इतिहास को दबाया गया, पहले जानबूझकर विदेशी एजेंडा बढ़ाने का काम किया गया। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, ये योद्धाओं का इतिहास है, अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है, हम इन गलतियों को सुधार रहे हैं। पीएम ने कहा दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा है जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडों को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के हर कोने में माँ भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे अतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, इसे जानबूझकर दबा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मोदी जी के हर एक बात का दिल से समर्थन करते हैं तो मोदी जी ने बिल्कुल सही और सटीक कहा है, इतिहास को बदलना चाहिए, जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं कितने भारतीय ऐसा लिखते हैं, और वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। बात करते हैं एक और खबर की, जहां रशिया के रडार सिस्टम को तबाह करने के बजाय खुद के लोगों पर ही चला दिया मिसाइल। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में अमेरिकी मिसाइल ने मिस कर दिया टारगेट, बता दें शाम 6 बजे यूक्रेन ने 26 सितंबर को AGM-88B मिसाइल लॉन्च की। मकसद रशिया के रडार सिस्टम को तबाह करना था, लेकिन इसने अपना टारगेट मिस कर दिया। इसके चलते ये मिसाइल पूर्वी यूक्रेन के क्रमाटॉक्स इलाके में जा गिरी, जहां 3 लोग घायल हो गए। जी हां, 24 नवंबर को अपनी एक रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसका बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। ये मिसाइल यूक्रेन को रशिया का सामना करने के लिए अमेरिका ने दी थी। जी हां, इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि सितंबर में यूक्रेन की तरफ से दागी गई मिसाइल ने खाली अपार्टमेंट को हिट किया था। पिछले 9 महीनों से चल रही रशिया यूक्रेन वॉर में ये पहला ऐसा मामला है जब अमेरिका बनी किसी मिसाइल ने टारगेट मिस किया हो। बात करते हैं एक और खबर की, जहां प्रधानमंत्री के रैली स्थल के पास कैमरे लगे, ड्रोन उड़े। जी हां दोस्तों, इसका मामला जैसे ही सामने आया 3 को गिरफ्तार किया गया है। बता दें गुजरात के अहमदाबाद जिले के बावड़ा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रैली स्थल के पास कथित रूप से कैमरा लगा ड्रोन उड़ाने के मामले में गुरुवार को 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी जी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के उम्मीदवारों के लिए एक रैली को संबोधित किया। जिलाधिकारी ने सुरक्षा कारणों से रैली स्थल के पास ड्रोनों की उड़ान पर रोक लगा रखी थी। पुलिस निरीक्षक भारत पटेल ने बताया है कि पुलिस ने रैली से पहले कुछ लोगों को रिमोट से संचालित ड्रोन का इस्तेमाल करके भीड़ की तस्वीरें लेते हुए देखा। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा ये 3 स्थानीय लोग अपने निजी मकसद से भीड़ की तस्वीरें रख रहे थे, हमने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 बोले तो सरकारी आदेश की अवहेलना के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जी हां दोस्तों, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट में मोदी जी के लंबी उम्र के लिए लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है तो जी हां। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।